चलो बात करते हैं बेटा अब अगला, अब है मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया एकदम आराम से लाइफ साइकिल समझा दूंगा, सब कुछ एकदम क्लियर तुमको हो जाएगा। मलेरिया पढ़ चुके होगे लो। काजल ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन्स में पूछे बेटा कौन प्रोटोजोन है, तो क्या है प्लाज्मोडियम। क्या होता है ये, पैरासाइट होता है, ठीक है। किसका वेक्टर, वेक्टर क्या होता है इसका बेटा, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा नीचे बातचीत स्लो करो, टेढ़ा हो गया क्या ये ज्यादा। अब सही है, बोल दे नीचे बच्चे बहुत बदमाश है क्या किया है। बेटा नीचे हल्ला कम करना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेटा प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैसा पैरासाइट होता है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक इसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल। इसका मतलब इसको कितना चाहिए, टू होस्ट। कितने होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो होस्ट की। ये दो होस्ट कौन कौन से हैं बेटा, एनाफिलीज एंड मैन। और कौन होता है बेटा, ह्यूमन। इसको कहते हैं एनाफिलीज कहते हैं प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सी साइकिल चलती है, इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है, किसकी, प्लाज्मोडियम की। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, ह्यूमन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैसी चलती है, एसेक्सुअल साइकिल चलती है। जिसके अंदर भी सेक्सुअल साइकिल चलती है बेटा, हमेशा उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी होस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब इसके कौन कौन से स्पीसीज हैं जो क्या काज करते हैं बेटा, मलेरिया स्पीसीज। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अच्छा फैल्सीपेरम को पहले वो बता दें, ओवल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन दोनों में जो चलती है ह्यूमन के अंदर साइकिल, वो कहां कहां चलती है, लीवर एंड ब्लड में। अभी मैं इसको डिटेल बताऊंगा, लेकिन फैल्सीपेरम में जो साइकिल चलती है ह्यूमन के अंदर, ओनली आरबीसी, ब्लड की जगह बेटा बल्कि लिख लो आरबीसी। ये बेटा मोस्ट डेंजरस होता है, इसका फैटल रेट हाई होता है। जानते क्यों, क्योंकि इसमें मोस्टली आरबीसी रप्चर कर जाती हैं। बाकी में तो लीवर में भी चल रहा है, आरबीसी में भी चल रहा है, इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक फीवर भी कहते हैं। डेथ फीवर, ब्लैक फीवर, ये सब इसको कहते हैं, ठीक है।
यहाँ लिखा हुआ है, ये कास क्या करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मैलिग्नेंट मलेरिया, इसका क्या है बेटा, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो यदि लीवर में साइकिल चल रही है तो आरबीसी को रिकवर होने का टाइम मिलेगा। ये तो केवल आरबीसी में चल रही है, बहुत तेजी से चलती है तो मैक्सिमम क्या होता है, आरबीसी टूट जाती है और डेथ हो जाती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आ गई तो आगे शुरू करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। बहुत सिंपल है, एकदम आराम से। हो गया, चलो बेटा समझ लेना फिर बनाना। समझ में आ गया तो तुम्हें देख के बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बना लोगे। मॉस्किटो बाइट करती है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ होता है, फिर ह्यूमन के ब्लड में क्या छोड़ती है बेटा, बाइट करती है तो क्या छोड़ती है, स्पोरोजॉइट। किसका, प्लाज्मोडियम का। क्या छोड़ती है प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजॉइट। ये बेटा हैप्लॉयड होते हैं, कैसे हैं एन, अभी से समझते चलो क्या है ये हैप्लॉयड। कहाँ आ गए, यदि बाइट किया ब्लड सक किया तो ये स्पोरोजॉइट कहाँ आ गए, किसके स्पोरोजॉइट है बेटा, ये प्लाज्मोडियम के। बोलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसने मॉस्किटो ने काटा स्पोरो। अब पता है कि मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है तो ब्लड जमता नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने सलाइवा में क्या रखती है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने ही नहीं दिया। तो सबसे पहले इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए क्या है, बोलो क्लियर हो गया, कौन सा है, स्पोरोजॉइट। अब स्पोरोजॉइट डायरेक्ट ब्लड में आते हैं बेटा और ये इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये चले जाते हैं लीवर के अंदर। कहाँ मूव करते हैं, लीवर के अंदर, और लीवर में जाने के बाद वहाँ ये इसमें छुप जाते हैं। छुपने का मतलब है दिखाई ना दे, क्रिप्टास, ठीक है। तो क्या बना लेते हैं बेटा, क्रिप्टोजॉइट। लीवर में क्या इकट्ठा हो जाते हैं इनके, क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट हो गए, छुप गए। अब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ये लीवर में ही चलती है, लीवर में ही चलती है, और ये क्या बनाते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्रिप्टो मीरो ज्वाइट्स। और ये किसके अंदर चलती रहती है साइकिल, ये लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर क्या बने, क्रिप्टोमीरोजॉइट। क्या बने लीवर के अंदर, क्रिप्टोमीरोजॉइट, ये लीवर के अंदर पड़े। अब बेटा एक क्या होता है, ये क्रिप्टोजॉइट आ जाते हैं कहां, ब्लड में। कहां पहुंच गए, ये ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाते हैं बेटा और ये बनाते हैं। अब ये मीरोजॉइट बनाते हैं, माइक्रोमीरोजॉइट और मेगा मीरोजॉइट। मेगा मीरोजॉइट देखो एकदम बहुत आसान है। ये साइकिल वापस किस में चल रही है, लीवर में चल रही है, ठीक है। ये किसमें साइकिल, लीवर में ये नहीं चलेगी, फैल्सीपेरम वाली, फैल्सीपेरम वाली सीधे कहाँ जाएगी, ब्लड में। अब मेगा मीरोजॉइट बेटा ये दो काम करते हैं, ये बनाते हैं फीमेल गैमिट, ये अप्लाइड ही तो हैं,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनाएंगे, जो हैप्लॉयड है उसको मियोसिस की जरूरत ही नहीं है। और क्या बनाते हैं बेटा, ये मेल गैमेट, ये तो ये करेंगे। दूसरा ब्लड, यानी यहाँ ब्लड लिखने ज़्यादा अच्छा है, आरबीसी। दूसरा आरबीसी में अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल चलाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, आरबीसी खाते रहते हैं। कौन से मेगा है, माइक्रोमीरोजॉइड। ये किसमें चला रहे हैं अपनी साइकिल, ब्लड में। अब जब ये ब्लड में ये साइकिल चलाते हैं तो वहां पे सिग्नेटरी स्टेज, अलग अलग स्टेज बनती है। अब एक आरबीसी में जैसे ये साइकिल चल रही है, अच्छा थोड़ी सी और बड़ा कर दूं, आरबीसी के अंदर चल रही है, ये आरबीसी है, इसके अंदर क्या है बेटा, कौन क्या बना रहे हैं, ये माइक्रो मीरो ज्वाइंट। जब ये मेच्योर होंगे बेटा तो आरबीसी ये रप्चर करेगी, ढेर सारे क्या निकलेंगे, माइक्रो मीरो ज्वाइंट, और वापस ये नई आरबीसी को फिर क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। क्या आरबीसी टूट जाएगी, मर जाएगी, फिर नए आरबीसी के, इसीलिए आरबीसी ये रप्चर होता है। जब रप्चर होता है तो ये निकलने के साथ साथ एक टॉक्सिन निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। क्या कहते हैं एक टॉक्सिन को, हीमोजोइन। इसी कारण क्या आता है, चिल, ठंडी लगती है, खूब ठंडी लगती है, उस समय इसका मतलब हीमोजोइन ब्लड में ज्यादा हो गया है। फिर थोड़ी देर में पसीना आ जाता है अपने आप, देखते नहीं कांपने लगे, कितना भी मलेरिया में उड़ाओ चद्दर कंबल कांपते ही रहते हैं। ठीक, ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए मलेरिया का टेस्ट दो बार कराता है आदमी। मलेरिया होता है कहते हैं 3 दिन बाद और टेस्ट करेंगे, 2 दिन बाद और। यदि ये लीवर में छुपे हैं तो ब्लड में तो है ही नहीं, तो ब्लड टेस्ट कराने पर क्या मलेरिया आएगा, नहीं। केवल फैल्सीपेरम ऐसा होता है जो यदि है तो आ जाता है तुरंत, नहीं तो नहीं आता है। अब दोबारा बेटा क्या हुआ, ब्लड में तो है, ये मेल और फीमेल गैमेट कहां है, ब्लड में ही है। कहां है ये बेटा, ब्लड में ही है, आरबीसी में ही है। ये आगे नहीं बढ़ाते हैं, नंबर बन गया, ये पड़ी होती है। यदि बेटा शक करेगा एनाफिलीज तो क्या एनाफिलीज के अंदर जाएगी, अच्छा ये ह्यूमन के अंदर पूरी की पूरी साइकिल कौन सी है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल, एसेक्सुअल तुम्हें हर जगह दिख रहा होगा। अब बेटा ये जब ब्लड शक करता है, कौन शक बाई फीमेल एनाफिलीज, इनके ऊपर बेटा लेयर्स होती हैं, तो क्या इसी को शक करेगा या सब शक होंगे, तो जितना लीवर जितना ब्लड में है सब शक होते हैं, सबको डाइजेस्ट कर जाती है, लेकिन इसको इसका डाइजेशन नहीं होता है, और जा करके ये बेटा गट में क्या करता है, रिप्रोडक्शन। तो फीमेल एनाफिलीज के गट में फ्यूजन किसका होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ प्लाज्मोडियम। मेल और फीमेल गैमेट प्लाज्मोडियम के जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होते हैं, मतलब ये क्या हो गया, किसका पार्ट हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब इसके बाद क्या बनता है बेटा, जायगोट बनेगा। जायगोट बने के बाद जायगोट कैसा होगा, 2N। ये बनाता है ऊकाइनिट, ये क्या होगा बेटा, 2N। ये पिनेट्रेट करता है गट वाल को, गट को क्या करता है, वाल को पिनेट्रेट कर देता है, स्पिंडल शेप का होता है, पिनेट्रेट गट वॉल। अब वॉल के अंदर आ गया ये, ठीक है, और वहां अब यहां पे क्या होती है, मियोसिस,
और वापस क्या बनाता है ये स्पोरोजॉइट, और वो स्पोरोजॉइट मॉस्किटो के कहां पहुंच जाते हैं। ये सब कहानी कहां चल रही है, एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। ये स्पोरोजॉइट कहां पहुंच जाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड में। कौन पहुंच गए, स्पोरोजॉइट। अब किसी आदमी को ये काटी फीमेल, उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया। समझ गए, इतनी आसान सी लाइफ साइकिल है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां चला, ह्यूमन में। सेक्सुअल गैमिट कहां बने, फ्यूजन कहां हुआ, मॉस्किटो के गट में। ठीक है, क्लियर हो गया, फटाफट नोट करो। वो नहीं है क्या क्लास, मैथ होती तो नहीं चलती, तो मैथ नहीं सराय होते तो यहीं क्लास चलती। एकदम समझ में आ गया कि नहीं, लाइफ साइकिल एकदम समझ में आ गया बेटा। सब बहुत सिंपल है। फिर अब जिसके लाइफ साइकिल से समझा सकता हूँ उसके लाइफ साइकिल समझाऊंगा। जिसमें सिंपल चीजें लिखी हैं कि डायरेक्ट कास्ट कर रहा है और ये आ रहा है, उसमें तो समझाने लाइफ साइकिल बनवाने की जरूरत नहीं है।
अब जैसे स्कैरी है, रिंग वार्म है और एलिफेंटियसिस है, इसको तो बुक से ही पढ़ा देंगे डायरेक्ट, सीधे सीधे बुक में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ा देंगे इसको बुक से डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे मियोसिस हुआ है तो स्पोरोजॉइट जो होंगे वो कौन से होंगे बेटा, हैप्लॉयड। क्या यही तो है पूरी साइकिल, देखो यहाँ जितने होंगे सारे सारे क्या होंगे बेटा, सब हैप्लॉयड होंगे, सारे सारे क्या होंगे, हैप्लॉयड। हो गया, बना लो बना लो, पॉइंट सारे समझ में आ गए ना बिल्कुल, बस ठीक है। कहते हैं जो टॉक्सिन ग्रेन्यूल निकलते हैं आरबीसी को रप्चर करने के बाद, उनको क्या कहते हैं, हिमोजोइन। ठीक, गैप देंगे, इलेवेंथ वाले बैठे हैं बेटा, थोड़ा सा एक क्लास उनको भी ले लें, पढ़ लो तब तक। हाँ गुड, टाइम का सही यूज करिए, बैठिए अकेले हैं पढ़ते रहिए। आज मैथ वाले सर नहीं आए क्या? हो गया, अब चलो बुक में पहले लाइफ साइकिल देख लो, जो फिगर दिया हुआ है फटाफट। मॉस्किटो काटा है, इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच इन अ लीवर। अब लीवर में पहुंचते ही इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टा से नहीं होता है छिपना। और कौन सी साइकिल चली लीवर में, एसेक्सुअल की सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और इसके बाद देखो दिखाए, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। क्या ये लीवर में भी चल रहा है, लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है, साथ साथ कहाँ पहुँच गया है अब ये, ब्लड में। अब ब्लड में पहुँचते ही क्या ब्लड में भी साइकिल चलने लगी, हाँ ब्लड में तो एक साइकिल चल रही है जो ब्लड सेल को क्या कर रही है, रप्चर कर रही है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड काजिंग साइकिल फीवर एंड दस सिम्टम रिलीज द पैरासाइट आर न्यू रेड। अब ये देखो नए वाले को इन्फेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ बेटा उसी में से कुछ सेल जो है मेल और फीमेल गैमिट भी बना रहे हैं। वो मेल और फीमेल गैमिट जब बाइट करती है तो कहाँ पहुँच जाता है, फीमेल एनाफिलीज के अंदर। द फीमेल मॉस्किटो कैन टेक अप गैमिटोसाइट ऑफ ब्लड सेल। अब इसको हम गैमिट को जो है गैमिटोसाइट कह सकते हैं। क्या वो चली गई फीमेल एनाफिलीज के अंदर, जाते क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट। बिल्कुल याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन और कहाँ होता है, मैंने लिख दिया है फीमेल एनाफिलीज गट, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमिट ऑफ प्लाज्मोडियम, वहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहीं होता है डेवलपमेंट। अब मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट इनटू मॉस्किटो सेलिवरी ग्लैंड। अब क्या है, फिर हैप्लॉयड हो गई। क्यों हैप्लॉयड हो गई बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या होता है इसमें, मियोसिस होता है, एकदम सिंपल प्रोसेस। चलो आओ बुक में देखते हैं। इन सम ह्यूमन डिजीज आर कास्ट बाय प्रोटोजोवन टू, यू माइट हैव बीन हर्ड अबाउट द मलेरिया। द डिजीज मेन हैज बीन द फाइटिंग सिंस मेनी ईयर प्लाज्मोडियम इन टीनी प्रोटोजोवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरी पेल्सिफेरम और एक और बता दिया आपको बेटा ओवल, ठीक है, आर द रिस्पॉन्सिबल आर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ द ओरिजिनल माइग्नेंट मलेरिया कास्ड बाई प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन बी फैटल। क्यों बेटा फैटल होता है, मैंने बता दिया केवल यही एक ऐसी मलेरिया है जिनकी साइट केवल कहाँ चलती है, आरबीसी में, कहाँ नहीं चलती है, लीवर में आके छुपते जरूर हैं बेटा, लेकिन लीवर में इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल चलती नहीं है। दे टेक इन द ग्लांस द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन प्लाज्मोडियम इंटर ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बेटा ह्यूमन के लिए, स्पोरोजॉइट, ठीक है, इन्फेक्शन। एंड थ्रो द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई इंटू द लीवर सेल एंड देन अटैक इंटू आरबीसी एंड रिजल्टिंग देयर रप्चर। द रप्चर आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज टॉक्सिन सबस्टेंसेज हिमोजोइन एंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी 3 or 4 days। तो मलेरिया की जो ये साइकिल चलती है,
ये आरबीसी में जो साइकिल चलती है, ये वाली जो साइकिल चलती है आरबीसी में, ये कंप्लीट कितने दिनों में होती है? कंप्लीट 3 to 4 days। तो बेटा मलेरिया देखो होता है ना, तो कभी कहते हैं क्वार्टर मलेरिया, कभी कहते हैं टर्सियन मलेरिया, इसका मतलब यही होता है कि वो साइकिल कब कंप्लीट होगी। आपको लगेगा कि नहीं बुखार उखार नहीं आ रहा है, सही हो गए हैं, 2 दिन बाद फिर लगेगा अरे यार बहुत तेज फीवर हो गया, इसका मतलब ये साइकिल रिपीट हो रही है। ठीक है, हो गया बेटा। आगे देखिएगा, वेन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन एंड पैरासाइट इंटर इन द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट एंड स्टोर्ड इन सेलेवरी ग्लैंड। कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ? गट में। कहाँ स्टोर हुए फीमेल एनाफिलीज के? सेलेवरी ग्लैंड में। वेन द मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन द स्पोरोजॉइट इंट्रोड्यूस इन टू हर बॉडी एंड देयर बाय द इनिशिएटिंग इवन मेंशन अबव। द इंटरेस्टिंग इज नोट दैट मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड 2 होस्ट। ये पहले ही बता दिया था, कौन कौन? ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। ये बता दिया था, सब कुछ हो गया बात, ठीक है।